अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों कतर से आ रही है, ओल्ड दोहा पोर्ट यानी दोस्तों पुरानी जो बंदरगाह है, दोहा मरीन स्पोर्ट क्लब ऑर्गेनाइज कायक फिशिंग टूर्नामेंट, यानी दोस्तों ओल्ड बंदरगाह जो है और दोहा मरीन जो स्पोर्ट क्लब है, उन दोनों के तरफ से कल के दिन वहाँ पे कायक फिशिंग टूर्नामेंट का दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया। यानी दोस्तों टूना फिशिंग मतलब होता है कि नाव में बैठ के, छोटा सा नाव दिया जाता है, उस नाव में बैठ के दोस्तों फिशिंग वगैरह करने का एक तरह का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, ये ओल्ड दोहा पोर्ट एंड मरीन स्पोर्ट क्लब सेट टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कायक फिशिंग टूर्नामेंट ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे बिटवीन 3 PM टू 7 PM, यानी दोस्तों आज जुमा के बाद से लेकर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये जुमा को भी किया जाएगा और शनिचर को भी दोस्तों किया जाएगा। इवेंट्स विल बी हेल्ड ऑन अलबंदर एरिया, दोस्तों अलबंदर जो एरिया है ओल्ड दोहा पोर्ट में, वहीं पे दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की जाएगी फिशिंग जोन में, और पोर्ट बेसिन अपोजिट वाटर फ्रंट ऑफ द अलमीना एरिया में दोस्तों इसका अंत किया जाएगा। जो भी भाई लोग, आप लोग फिशिंग वगैरह करना पसंद करते हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जुमा के बाद आज 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलने वाला है अलबंदर एरिया में, ओल्ड दोहा पोर्ट यानी पुरानी बंदरगाह में स्टार्टिंग पॉइंट होगा फिशिंग जोन, जहां पे फिशिंग जोन पड़ता है वहां पे। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथी पब्लिक अथॉरिटी बसगाल की तरफ से आ रही थी। दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी बसगाल की तरफ से तो आप लोग, बहुत सारे भाइयों का सवाल रहता है कि भाई न्यू प्रोजेक्ट जो है असगाल की तरफ से स्टार्ट नहीं किया गया, तो भाई मैं ये खबर जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कतर में काफ़ी तेज़ी से असगाल की तरफ से कराया जा रहा है। खबर ये है कि असगाल टू क्लोज डी रिंग रोड टेम्प्रोरी, यानी दोस्तों असगाल की तरफ से, पब्लिक अथॉरिटी असगाल की तरफ से एक रोड को टेम्प्रोरी क्लोज किया गया है, लुलू इंटरसेक्शन से डी रिंग रोड तक जुमा को जून 16, 2023 को। तो जो भी लोग, आप लोग भाई लोग इस रास्ते से आप लोग जाने वाले थे, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक दोस्तों इस रास्ते को टेम्प्रोरी बंद किया जाएगा। इसी की वजह से दोस्तों इस रास्ते को बंद किया जाएगा। तो जो भी भाई लोग, आप लोग लुलू इंटरसेक्शन से डी रिंग रोड जुमा के दिन आप लोग जाने वाले थे 16 जून यानी आज, तो आज दोस्तों नहीं जाइएगा क्योंकि रास्ते को बंद किया गया है। दोस्तों बंद करने का रीज़न ये है कि कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला है, मेंटेनेंस का काम चलेगा, इसीलिए बंद किया गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों वैसे तो इंडिया से आ रही पर बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, यदि इंडिया के होंगे तो आपको जान के काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होगा। खबर ये है डिजिटल पेमेंट में भारत बना नंबर 1, 2022 में लगभग 79.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन किया गया। दोस्तों पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट किया जाता है, यानी फ़ोनपे गूगल पे जो इंडिया में चलता है, यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2022 में 79.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में किया गया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में कुल हो रहे डिजिटल पेमेंट्स 40%, रियल पेमेंट्स का हिस्सा केवल भारत से आ रहा है। आंकड़े दुनिया में 4 प्रमुख देशों में शामिल आंकड़े से ज़्यादा, माय गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़ों मुताबिक भारत 89 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन साल 2022 में किया है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के मामले में देश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा दोस्तों मुल्क है, बहुत ही ज़्यादा आबादी है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिजिटल पेमेंट किया जाता है। अगली अपडेट की ओर साथ चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जारी, मिनिस्ट्री लॉन्च एस बैंड रडार सिस्टम एट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो साथियों कतर के मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एचई जसीम सेफ अहमद अल सुलेती साहब की तरफ से कल के दिन वहां पे एस बैंड रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ताकि किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर किया जा सके और एयर को मैनेज वहाँ पर किया जा सके, ताकि किसी तरह का कोई भी घटना कतर वगैरह में ना हो। बताया गया दोस्तों इसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट, एविएशन अथॉरिटी, रडार सिस्टम, सभी चीज़ों को वहाँ पे अवेयरनेस के तौर पे बताया गया, ताकि किसी तरह का कोई भी दुर्घटना वहाँ पे ना घटे। तो ये दोस्तों कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।